नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम और मैं आरजे उद्धव आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए सुनते हैं हमारे डेली क्विज हिंदी भाषा में। हमारी पहली क्विज है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। सही जवाब है झांसी के सांसद श्री अनुराग शर्मा को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगली क्विज है, भारत में युवा महिला एथलेटिक को समर्थन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है। सही जवाब है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने देश की महिला एथलेटिक और विशेष रूप से युवाओं का समर्थन करने के लिए HSBC इंडिया के साथ कंपनी साझेदारी घोषणा की है। अगली अपडेट क्विज है, इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक एक नई पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई थी। डॉक्टर आशुतोष राराविकार ने इंडियन बैंकिंग रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक एक नई पुस्तक लिखी है। अगली क्विज है, 12 जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार को एशियाई विकास बैंक के 4,000 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त होने वाला है। सही जवाब है, महाराष्ट्र सरकार राज्य के 12 जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए एशियाई विकास बैंक से 4,000 करोड़ रुपए का ऋण लेगी। अगली क्विज है, फोर्ब्स एशिया टू वॉच 2020 यानी कि सो टू वॉच 2022 के दूसरे संस्करण में कितनी भारतीय स्टार्टअप कंपनियां शामिल है। सही जवाब है, फोर्ब एशिया द्वारा जारी सूची में सिंगापुर की 19 कंपनियों के साथ भारत की 11 कंपनियों को शामिल किया गया है। इसके बाद हांगकांग से 16 स्टार्टअप भी शामिल है। अगली क्विज है, किस निम्नलिखित देश में से कर्नल अब्दुल्लाह माइगा को हाल ही में अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। सही जवाब है, माली में देश के नागरिक प्रधानमंत्री ओगुएल कोकल्ला मेगा को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद सेना ने एक कर्नल अब्दुल्लाह माइगा को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अगली अपडेट क्विज है, निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर को हाल ही में अपर केस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सही जवाब है, ट्रैवल एक्सेसरीज कंपनी S4 एक्सेसरीज ने जसप्रीत बुमराह को अपने इको फ्रेंडली लगेज ब्रांड अपर केस के लिए 2 साल के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। अगली क्विज है, निम्नलिखित में से किस देश के कॉलिन डी ग्रैंड होम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। सही जवाब है, न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर कॉलिन डी ग्रैंड होम ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के संन्यास की घोषणा की है। अगली क्विज है, निम्नलिखित में से किस मंत्री के द्वारा हाल ही में साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार नामक एक नई पुस्तक का विमोचन किया गया। सही जवाब है, आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजबारा महेंद्र भाई ने हाल ही में साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार नामक पुस्तक का विमोचन किया है। आखिरी क्विज है, भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया। सही जवाब है, भारत में हर साल 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश के विकास में छोटे उद्योगों के योगदान को मान्यता देता है। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से लेता हूँ इजाज़त। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो MPSC गुरु। धन्यवाद।